हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका, कैसे तबीयत है? तो जी अभी हमारा एक दोस्त आ रहा है, आ गया तकरीबन, देखते किधर है, वेट कर रहे हैं अभी उनका। कह रहे थे एक मिनट में आ रहेंगे, मुझे उम्मीद है इसी तरफ से आएंगे। लो जी, और आप लोग सुनाओ क्या चल रहा लाइफ में? आई थिंक यही है। आ गए जी भाई साहब, बहुत दूर से आए हैं, जिलोंग से तकरीबन 120 किलोमीटर बनता है। सब देखते हैं, आ जी इस तरफ। बस अस्सलाम वालेकुम जल्लाद भाई, क्या हाल चाल है उमर भाई, कैसे तबीयत है आपकी? बस मजे में। तो ये हमारे उमर भाई बहुत दूर से हैं यार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो घंटे लगे आने में, ना करे यार, कसम से दो घंटे लगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप उमर भाई साथ घूमते फिरते देखते आज क्या करता सारे दिन। तो आ चुके हैं जी उमर भाई, बैठे नहीं यार, बोल रहे थे कि नहीं कहीं घूमने फिरते चलते हैं। उमर भाई इसकी चीज़ की क्या वजह थी? ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे और मुझे दो घंटे लगते हैं जिलोंग से आते आते, मुझे मेरे घर से आते आते। तो अगर हम बैठ जाते ना तो हमें वापस जाते जाते बहुत टाइम हो जाता, मुझे तो घर को इतनी रात हो जाती फिर, और मेरे घर वाले ने घुसने नहीं देना था कि किधर से आया तो ये सीन है। अच्छा, तो बस ये वजह यार बैठे भी नहीं है कहीं, बस ऐसी बस उधर मिले हैं और इधर निकले हैं। तो व्यू अगर आपको दिखाया जाए तो देख लो आपके सामने ही है, मजे वाला रोड है। क्या बोलेंगे आप इस रोड के बारे में और भाई? ये वाला व्यू ना हमारे जो जिस साइड पे मैं रहता हूँ ना उस एरिया से काफी बेहतर है, ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। अच्छा, और रोडें भी बड़ी खुली है, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रोड बहुत तंग है, और ये बहुत ही टोटली डिफरेंट एरिया। अच्छा, टोटली डिफरेंट एरिया। चलो चलते आज। मुझे वैसे कोई नहीं पता कि इधर कौन कौन सी घूमने वाली जगह, उमर भाई को पता, उमर भाई लेके जा रहे हैं। मैंने कहा चलो जिधर चलते चलते हैं, फिर जितना हो सका बंद होने से पहले पहले जितना घूम सके हम हर जगह जाएंगे, बाकी कैफे वगैरह भी जाएंगे। पता है सबको पता ही होगा उमर भाई आया तो शीशा कैफे के बगैर तो शीशा कैफे भी जाएंगे लास्ट में। चलो ये बात हमने बोला, जिधर आप ले जाएंगे चले चलेंगे। चलो देखते किधर लेके चलते हैं। टाइम अब यहाँ पे जी 19 मिनट शो कर रहा, लेकिन सामने आ चुकी है जी मेलबर्न सिटी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही। अभी इनमें से ही किसी एक बिल्डिंग में हमने जाना है, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, वो बिल्डिंग जो है ना, वो वाइन बिल्डिंग है जिसकी टॉप वाली जितनी विंडोज है ना वो सारी गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, वो करीब जाके दिखाओगे तो सही नजर आएगा, और उसके बिल्डिंग के ऊपर ना काफी ज्यादा गोल्ड प्लेटेड उन्होंने काम किया हुआ है। और इतना मैं बता दूं कि वो मेरी हर वीडियो में होती है। आपको पता है। होती है, लेकिन ये जलाद भाई को पता नहीं होगा बिल्डिंग एग्जैक्टली कौन से वाली है। मुझे वाकई नहीं पता बिल्डिंग वगैरह का, लेकिन आप हर वीडियो में वो बिल्डिंग जरूर देखते हो। और उस बिल्डिंग के हम टॉप पर भी जा सकते हैं भाई, बढ़ गए वीडियो के चक्कर में हम आगे कहीं और ही निकल गए। ये बच गए, ये जो सिटी के अंदर अंदर वाले फ्रीवे होते हैं ना, अगर तो एक भी टर्न मिस कर दो ना 40 मिनट का एक्स्ट्रा रास्ता पड़ जाता है, बचत होगी हमारी। ये तो फिर यू टर्न था, ये यू टर्न मिल गया हमें और एक मिनट का पड़ा। लेकिन ख्याल करना चाहिए भाई, इसलिए कहते हैं ड्राइविंग के टाइम नो मोबाइल। तो ये तो बस वीडियो बना रहे आप लोगों को दिखाने के लिए। चलो, बारिश होने वाली है, होने लग गई या होने वाली नहीं, और ये तो अब आर्टिफिशियल बारिश होने लगी। सिटी आ गई सामने। इस बिल्डिंग की बात कर रहे थे? हाँ, ये सामने जो है गोल्डन, जो टॉप से गोल्डन है ना, इसके टॉप पर जाएंगे अभी हम। लो जी, हमने रिवील कर दिया हम कौन सी बिल्डिंग में जा रहे हैं, बस आप जाने दें ये ना। ओके, पार्किंग मिल जाए। पार्किंग का सबसे मेन मसला होता है यहाँ पे, पार्किंग का एक तो पार्किंग होती है पेड़, दूसरा पेड़ पार्किंग भी नहीं मिलती है। सही। तो लेट्स सी, व्यू देख लो यार आपके सामने है। और बारिश होने लग गई है, बड़ा हैवी व्यू हो गया। अच्छा, मुझे लगा बड़ा हैवी सीन। देख लो जी, ये अब हम आपको अपना आप नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ व्यू दिखाएंगे। आप लोग बोलते रहते हो ना कि हमें दूसरा भी दिखाया करो, बाहर का भी। तो आज दिन के टाइम हम निकले हैं। अभी ये रोड जाएगा सीधा सिटी में, ऐसा ही है ना? हाँ, ये रोड बिल्कुल सिटी के बीचों बीच जाएगा, वो बिल्डिंग के पास ही जाएगा। मैंने उस बिल्डिंग का ही एड्रेस डाल रखा है। अच्छा। तो ये अभी हमें टाइम शो कर रहा है 5 मिनट, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो बादल भाई ऊपर फुल छाए हुए हैं, बिल्डिंग इस तरफ आ गई है, चलते फिर उधर ही। अब लो जी, पार्किंग देख लो जरा,
आधे घंटे की $6 और घंटे की $25, दो घंटे की $50। क्या सीन है ना भाई, अखा काम है, हम रिवर्स जाएंगे। हाँ जी, पैसे बचाओ, ये बहुत महंगा काम है, ये हमारे पास का नहीं है ये। ना ना ना, ना वापिस चलो भाई, ये काम समझ में नहीं आता हमारे। इतने इतने पैसे नहीं हम लाएंगे उस खुद थोड़ी है। $50 अब कौन, $50 कितने बने, 8-9 हज़ार बनता पाकिस्तानी, कोई खुदा का नाम है। ना ना रिवर्स, रिवर्स सिर्फ पार्किंग के रोड के ऊपर ढूंढते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हम सही है, वही काम करते हैं। लोरी इधर उमर भाई को कोई जुगाड़ नजर आया, वही $50 का कुछ खा पी लेंगे हम तो। इधर फ्री पार्किंग नजर आई है, यहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत कम होगा। ये आई है, ये भाई 4 घंटे की है। सही है भाई, इधर ही लगाते हैं। 4 घंटे फ्री है, वो उतर के देख लेते हैं, लेकिन पहले गाड़ी लगा पहले गाड़ी लगा ना समझे, फिर उतर जाएंगे हम। ठीक है, लो जी पार्किंग मिल गई। उमर भाई पे कर रहे हैं $10 पर आवर, सही है, नॉट बैड है, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, 4 घंटे लिमिट है इसकी बस, 4 घंटे नहीं, 4 घंटे, हाँ 4 घंटे लिमिट है, 4 घंटे तक यहाँ खोल सकते हैं। तो कितनी देर की लगानी है? हम लगाएंगे 2 pay until 2:41। अभी क्या टाइम हुआ? अभी 2:11 हुए ना। हाँ तो हम इसको भाई करते हैं 3:11। एक घंटा बहुत है। हाँ एक घंटा बहुत है हमारे, डन करें, 60 डन बहुत है इसका, डन हो जाते हैं जी। आ चुके हैं हम उसी बिल्डिंग में जो आपको दिखा रहे थे। तो उमर भाई आप रेडी हैं फिर ऊपर जाने के लिए? मैं तो गया हूँ, आप बताओ। चलो जी, हम पहले गया हूँ, अभी दोबारा देखते हैं क्या सीन होता है। अभी टिकट ले रहे हैं जी, टिकट लेते हैं, चलते हैं फिर ऊपर की तरफ। अब हम आ चुके हैं, एंट्री हो चुके, टिकट वगैरह ले लिया है। लेट्स गो, टिकट दे, टिकट लिए, कितने की टिकट लिए, टिकट भी दिखाओ, टिकट कितने की है वो। $60 है, ये इंजॉय है बाहर की लाइफ का, बाहर सिर्फ इंजॉय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी बाहर आओ। जाते हैं अभी ऊपर जाना है, कितने फ्लोर हैं इसके, आई थिंक 80-90 फ्लोर है, 80-90 फ्लोर है, इसलिए कहते हैं बाहर की जिंदगी मजे लो, ऊपर जाके दिखाते हैं बाप को। एक मिनट के अंदर सेकंड में के देख लो बस क्या हालात है हमारे भाई साहब, 30 सेकंड में 88 फ्लोर। ये क्या भाई, ये क्या है नीचे? अच्छा रेडी है, लोगों से बोलो व्यू देखने के लिए रेडी है। ओ तेरे है, क्या कहते, दिखाऊं अब आपको, दिखाऊं आपको भी, रुको जरा, क्या जबरदस्त व्यू है बावरी, सारा मेलबर्न इधर ही है सारा। ओ भाई साहब ये ले ले उमर भाई, फुल एंजॉय करते हुए, ये सबसे बेस्ट व्यू यहाँ से आता है। और ये सामने है, ये जो बीच आ गई किधर, ये छोटी छोटी बिल्डिंग है जो जलाद आपको रोज ब्लॉग में देखा जो आप वो नीचे रह गई है, जो आप देखते हो ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो नीचे रह गई है। ये 88 फ्लोर हमने किए हैं, कितने में आपके सामने वीडियो में देखा ये, 30 सेकंड में किधर से किधर आ गया भाई साहब। ये अभी इस तरह से भी जा सकते हैं ना, इस तरह भी, इस तरफ आए ना, इस तरफ तो भाई साहब। ओ ये थोड़ा सा शीशा क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे आए जरा, कान वैसे बंद होने लगे थे जैसे हम आए थे। और वो होटल है जहाँ से देखते हैं दिल्ली, वो सामने क्विंसी होटल लिखा हुआ ना उसके ऊपर, इस होटल से आप देखते हैं जो इतना ऊंचा फ्लोर है, वो सामने येलो लाइन जा रही है वहाँ पे मैं बताता हूँ। अरे वो तो छोटा सा होटल है इसके यार, देखो इसको पता नहीं लग रहा है, ये सामने जो बिल्डिंग देख रहा है जैसे कचरे का ढेर होता है इसके शीशे देखो। सही है, ये मेरे से कनी क्राउन हुआ, क्राउन भी बहुत बड़ी है, नीचे साउथ यारा रिवर है। कैसा लग रहा है आपको उमर भाई? आपका किधर घर आप बताएं जरा। मेरा घर यहाँ पे दूर दूर तक ही नजर आएगा, वो देख रहे हो पानी के दूसरे पार देख रहे हो, वहाँ से रखे मेरा घर। अच्छा इतनी दूर बनू तो बैठे नीचे आए हो इधर तो। ये अब इसका ये सीन है, ये नीचे देखो लकड़ी का लगा हुआ है बार, सही है। अब हमें वो VR पे ना देंगे, सही है, और हमें ऐसे लगेगा हम बस बिल्डिंग के बाहर चलेंगे और हम लकड़ी के ऊपर बस चल रहे हैं और नीचे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और नीचे हमें ये शो हो रहा है, ये जो मैप है ये सारा 3D जो भी है जमीन शो हो रही है, ये रियल हो जाएगा। तो मतलब बंदे की इसके ऊपर चलते हुए भी सही फटती है, मतलब काम खतरनाक वाला ये इधर भाई, पूरा मेलबर्न सिटी ना एक ही व्यू में आप देख सकते हो।
आसमान से ना बादल बिल्कुल ही साथ आए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त वेदर। तो यार किधर गए अपना बंदा घूम गया यार। तो नीचे ये जो स्टेशन है ना, इधर मैं उतरता हूँ ज़्यादातर, या एक स्टेशन उस तरफ आता उधर मैं उतरता हूँ, तो नीचे वाला व्यू तो एक अलग ही होता है, ऊपर वाला व्यू भी देख लो आप लोग। और वो सामने वो क्रिकेट स्टेडियम जिसकी मैं बात कर रहा था वो सामने। हाँ तो भाई साहब ये लो आगे दिल्लाद भाई के साथ हम किधर आए व्यू दिखाने, व्यू चेक करो। साथ में हमने आपको बताया नहीं कि तक उम्र बड़ी अभी जो ब्लॉग दिल्लाद भाई के चैनल पर जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा है सबसे हैवी ब्लॉग होने वाला है। बस देख लो नीज़। और एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, हमारे उमर भाई मशहूर इंस्टाग्रामर हैं। बिल्कुल बिल्कुल पबजी में आप जानते हो उमर प्लेज वाइटी, ये तो मैं बताने ही भूल गया। चलो टाइटल थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा हमारे से कौन मिलने आया कितने दूर से, क्या बोलेंगे इस व्यू के बारे में। ये वही ट्रेन है जिसमें रोज दिल्लाद भाई बैठ के जा रहे होते हैं, ये देखो कैसे जा रही है। वो देखो आप नीचे छोटी सी ट्रेन है, ये वो ट्रेन ना जिधर दिल्ली दिलील होना होता है, और आज वो ट्रेन नीचे आ गई हमारे, कैसी बात है। वो सामने क्या वो जो पोर्ट है, वो पोर्ट क्या बना हुआ है? पोर्ट है, वो सारे कंटेनर आते हैं। अच्छा पोर्ट है और मेन ये है मतलब मेन, लेकिन इधर से जब मैं होटल से अपने होटल से देखता हूँ ना तो कुछ भी नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है बड़ी दूर है। और यहाँ से आप देखो तो ऐसा लग रहा है ना GTA की टॉप आ गई किसी बिल्डिंग पे, अब यहाँ हेलीकॉप्टर ये गेम शेम वही चल गई ना गेम वाला। वो नीचे देख रहे हो सी लाइफ, ये अंडर वाटर एक्वेरियम है ये। हाँ मेलबर्न एक्वेरियम, ये ठीक होगा ये यहाँ पे फिर कैसे दिन लगाएंगे चक्कर ये फिर इंशाल्लाह। नहीं नहीं अभी आया है ना पहली दफा भाई लिफ्ट यार बड़ी स्पीड में आई थी, आपने देखा फ्लोर किस तरह से लिख पूरी थी। दिखाते हैं ये देख रहे हैं ठीक है, उसके थोड़ा नजर आएगा बड़ा अच्छा। चलो वो भी देखते हैं। हम आए हैं वैसे वो जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है उसके पास मेरा घर है, वहाँ से अमर भाई ने मुझे पिक किया। अमर भाई और भाई इसने मेरे साथ किया धोखा, इसने बोला लगते हैं सिर्फ 30 मिनट, मुझे लगे 50 मिनट। 50 मिनट यार आप क्या कर सकते हैं। और उमर भाई आए हैं वो उस तरफ से, मतलब वो सारा बाय रोड कवर करते 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 वो पहाड़ से पिक किया फिर वापस इधर आए हैं। बहुत बहुत लंबा चेक कर रहा हूँ, तो चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक टाइम निकाल कर हमें आप घुमाने फिराने लेके आए। वो नीचे वो देखो ट्रेन एक साथ जा रही है, ये तो बिल्कुल ही ओपन एयर आ गया। यहाँ से नजर आएगा मेरे बूट ऐसे हो गए जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो रही है। ओए वाह वाह कर तेरा बाल शाल पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, ये तो फुल ही ओपन आ गया। बड़ा मजा आया जी हमें तो, हाय आप क्या कहना चाहेंगे इस पे भाई साहब। देखो मैं तो पहले आया हुआ हूँ तो मैं बहुत पहले, मुझे पता था एक्सपीरियंस कैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं भूल चुका था कि कैसा सीन है। वेदर वेदर ने जो मजा दिलाया ना मैं असल वेदर का काम भाई, मौसम बहुत हैवी है यार बहुत हैवी था। अब किधर जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं जी डॉकलैंड्स। डॉकलैंड अभी आप लोगों को तो पता नहीं होगा, हम दिखाएंगे ना यार हम क्यों हैं वो उस जगह पे हम जाएंगे, उधर जाके हम करेंगे खाना ऑर्डर और साथ करेंगे हम शीशा ऑर्डर। बिल्कुल ये है ये वीडियो मैंने रोजे के बाद बनाई है, इधर जा रोजा हमारा खुल गया खुल गया खुल गया। कब का खुल गया? कल ही खुल गया था हमारा। हमारा रोजा खुल गया था, हमारा स्पैरो रोजा था कल ही खुल गया था। लो जी चलते हैं डॉकलैंड, फिर अभी लगाते हैं रास्ता देखते हैं डॉकलैंड कितना यहाँ से पड़ता है। गाड़ियाँ देखो बाबा जी गाड़ियाँ, गाड़ी अपनी भी काम नहीं है हमारी क्यों जी। ओके ओके ये लगता मेरा फैन है सलाम ये अच्छा था फैन फॉलोइंग बस क्या करें। ओके जी आ चुके हैं डॉकलैंड, डॉकलैंड जो भी है जी डॉकलैंड आ चुके हैं। और मजे की बात हमें पार्किंग मिल गई है बहुत करीब, सबसे रोला होता है ज्यादा पार्किंग का भाई, हमसे चला नहीं जाता है। देखो खाक खा के पेट बाहर आया है, चलना फिरना नहीं आता है। वो अभी व्यू व्यू अभी आपको दिखाते हैं, आप आज हर बार हम स्पेशल चीज दिखाएंगे टेंशन ही ले। और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग पुलिस की है। अच्छा सामने
लो जी गाइस, ये ब्रिज है जो मेलबर्न सिटी को कनेक्ट करते हैं पीछे वाले सारे सबब से। यहाँ से सारे सबब से कनेक्ट होकर मेलबर्न सिटी को ये ब्रिज कनेक्ट करते हैं। ये सारी लोगों की प्राइवेट बोट्स है। अच्छा, प्राइवेट? ये प्राइवेट है जो कि आप रेंट कर सकते हो अगर आपने फिशिंग के लिए जाना है। आप जैसे ये बोट है इसके अंदर सीटें लगी हैं, कोई पार्टी वगैरह होती है ना, लोग ये वाली बोट रेंट करते हैं और ये पीछे निकल जाते हैं समुंदर के अंदर पे। सही है, पार्टी वगैरह करने। अब आप पेट्रोल डलाओ जो रेंट कर सकते हैं वो वाली चेक करो। हाँ, ये जो सामने खड़े हो व्हाइट कलर में टैक्सेस लिखा हुआ ऊपर, सीन बवरी जबरदस्त है। यहाँ पे हम देखते हैं हमने कौन से कैफे बैठना है। एक कैफे थोड़ा महंगा है यार, जिधर आपको बेहतर पता उधर चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं जिसका माहौल अच्छा हुआ ना, माहौल समझ रहे हो, हम उधर जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे ज्यादा लग जाएंगे, हम माहौल देखेंगे। मैंने इनको बोला हुआ था कि दिन डे टाइम बनाएंगे और ऐसे लग चली कल मैंने बोला और आज डे टाइम भी लोग आ रहा है। ओए क्या बात है, देखो शूटिंग चल रही है, किसी चीज की शूटिंग चाह रही है। उसकी शूटिंग चाह रहा है मुझे तो ऐसा लगता है किसी जैसी सॉन्ग की शूटिंग गाना चाह रहा है। किधर आ चुके अमूर भाई, बताए जरा भाई। अभी हम आए हैं अलमीना। अलमीना आए हैं जो फेमस इधर का है ना कैफे, अभी तो खुला नहीं है, ओपनिंग टाइमिंग पे हम आ गए। वरना रात के टाइम जो बिजी होता है ना यहाँ पे, लेबनीज जो आते हैं ना बंदे, ओ नहीं नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं जो आपने लेबनीज कुछ करके बोले? लेबनीज में लड़कियाँ बोल रहा हूँ अर्बन जो यहाँ पर आती हैं रात। अल्लाह माफ़ करें, लेकिन आप मुझे फिर रात के टाइम क्यों नहीं लेके आए? ये देख लो अंदर वाला शैतान बाहर आ रहा है, जागने की कोशिश कर रहा है। अब भाई यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा शीशा और हमें मिलेगा खाना। पहले तो हमने करना है खाना ऑर्डर, क्योंकि भूख से जान नहीं कर रही है। शीशा मुझे नहीं पता किस चीज़ बारे में बात हो रही है। ये इसको पता है कि अभी देना, थोड़ी देर बाद इसके मुंह से ही धुएं निकले। चलो देखते हैं जो मंगवाएंगे। एक दिन इंजॉय होता है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए। तो जी ये अमर भाई ने अपने लिए कुछ मंगवा लिया, लग गया भाई हम इन कामों से दूर ही हैं यार। अच्छा उमर भाई ने अपने लिए मंगा लिया। अच्छा मुझे कहते हैं लो स्टार्ट मैं करके देता हूँ। ये जुगड़ को रहे हैं, देख ले साइड पे बैठ गए। मैंने बोला साइड पर वो आप, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हो आप। ये देखो अस्ता ये क्या कर रहे हो यार, करके दिखाना था एक बार। ये जी फ्रेश एप्पल, एप्पल और ये क्या करो ज़रा, पता नहीं यार क्यों आजकल की जनरेशन ख़राब हो चुकी है टोटली, क्या बताऊँ मैं। ये देख लो, ये देखो, और ये कहते हैं मुझे पीना नहीं आता। ये हरकतें देख लो इसकी, सही है। मेरे पे फजूल इल्ज़ाम लगा रहा है ये बंदा भाई। ये सीधी सी बात है, अब ये मुझे पकड़ा रहा है। सही है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग, ये बंदा पकड़ा गया कि खाना शना आ गया है। उमर भाई क्या मंगवाया आपने? मुझे तो पता नहीं नाम इसका यार। ये मैंने मिक्स प्लेटर मंगवाया, मिक्स प्लेटर देख रहे कबाब चिप्स राइस सब कुछ है, देखने में तो ज़बरदस्त है। अगर तो ये वीडियो अपलोड होगी आपसे अफ्तारी से पहले तो उसके लिए माजरत, अगर अफ्तारी के बाद अपलोड हो रही है तो फिर ठीक है। ठीक है जी, ऐसे ही है ना, हम बुरा नहीं किसी को फील कराना चाहते। साथ में शीशा है, जो उमर भाई पियेंगे मैं नहीं पीऊँगा, सर जाऊँगा वो, बस थोड़ा बहुत शुगर लगा लीजिए, लगाना था। मेरे बारे में चलो जब खाते भी नहीं मैं दिखाऊंगा, जो दिखाना था दिखा दे, बाकी खाना अपने हमने अपने स्टाइल से फिर दिखाएंगे, मिलते हैं आपको ख़त्म करके भाई। लो जी वैश्यों की तरह खाने के बाद उमर भाई लगे, मैं उमर भाई कब ख़त्म करने निकलें यार, फिर हम यार तंग हो गए आपसे इस काम से, करते हैं बात थोड़ा सा रह गया। आपको पता है मुझे इस चीज़ों का शौक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बस वेट कर रहे हैं उमर भाई का, हम कब ये ख़त्म करते हैं चलते हैं यहाँ से। सही कहते हो, क्या सीन आ गया आपका भाई? उसके बाद देखते हैं यार किधर जाने, करते हैं कुछ घूमते फिरते हैं, आज घर से छुट्टी है। फिलहाल प्लान हमारे ख़त्म हुए, कहाँ कहाँ जाना है। दो जगह का प्लान था हमारा, वो स्काई डॉग क्या था, स्काई डॉग वहाँ पे गया, खाना था खा लिया, ये उमर भाई ने अपना पीना था पी लिया। अच्छा उमर भाई मैं भी बदला इसके पूरे पूरे खुद लिए, मुझे पाइप पकड़ा के ना फिर एकदम वीडियो बनाने शुरू हो जाते हैं। आप बंदों को बता दे उमर भाई गंदे काम कर रहे हैं, मैं शुरू गलत बात है, सारा इल्ज़ाम लग रहा है। अब अगला प्लान जो भी होगा मज़े का होगा, इतना मैं बता देता हूँ, चलते कहीं और। लो जी खा पी के निकल आए हम, ये सामने जा रही है जिनकी इंजॉयमेंट वाली शिप, मज़े ले रहे होंगे। खा पी लिया, कैसा लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा भाई, आप तो मुझसे पूछो, यही मैं कहने लगा मुझसे पूछो आप तो भाई, आप तो मैं घूमने लेके आया, घूमे फिर ही आप, ज़बरदस्त यार मज़ा आ गया। बिल्डिंग पे हम गए ठीक है, खाया पिया यहाँ से, थोड़ी बहुत मस्ती की है,
अभी अभी क्या प्लान है? अभी देखते हैं क्या करना है। मैं तो कहता हूँ जहाज की सैर करते हैं। जहाज वो हो, ये किधर जा रहा है? और रुके हमें भी ले जा, कैमरे में ज़्यादा दूर लग रहा वैसे है नहीं। चले चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरा तो रोज़ा, उमर भाई ने रोज़ा नहीं रखा तो इसलिए वो पी रहे हैं। मेरा स्पैरा रोज़ा था, खुल गया। व्यू बाकी आप लोग देख सकते हो, फुल मज़े वाला है। जैसा का बोला था आपको, कभी दिन के टाइम दिखाएंगे तो दिन का टाइम देख लो। अब आप 20 बार मैं ये बात बोल चुका हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप पता नहीं मैंने कब निकलना कब नहीं। चलो जी अब आप गाड़ी खड़ी किया वहाँ पर। ये देखो यार, ये बंदे पता नहीं थे कब के बैठे हुए, क्या खा रहे हैं ये भी पूजा पाठ कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं जाके। तो जगह बहुत देखी है यार, हम लोग को मिली नहीं। जो है वो बहुत दूर दूर है, उसका फ़ायदा नहीं है। उसका ये है कि अब ये उमर भाई बहुत दूर से आए हैं तो वो तो रेडी है, उनको अगर मैं बोलूँ चलो तो वो चल पड़ेंगे, पर फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जगह ही नहीं है, सोया भी नहीं मेरे ख्याल से। मैं कल से सोया भी नहीं, और मेरे वापस जाने का भी रास्ता है कितना, 110 किलोमीटर जितना, 100 मतलब लाहौर से आलगढ़ मोटरवे जितना रास्ता है। तो मैं खुद ही नहीं, फिर यार मैंने कहा चलो हम यही करते हैं। बहुत घूम लिया है, जितना भी घूम लिया बहुत है, ये भी प्लान नहीं था, घूम लिया क्यों जी, ज़बरदस्त है। फिर कभी इंशाल्लाह, कभी मैं इनके पास चक्कर लगाऊंगा, कभी ये आ जाए करेंगे। अब बस मिलते जुलते रहा करेंगे जिस दिन टाइम हुआ करेगा। तो अभी यही है कि इनको मैंने यही बोला कि आप स्टेशन पर ड्रॉप कर दो, क्योंकि अगर यहाँ से मुझे ड्रॉप करने भी जाए ना वो फिर मुझे 2 घंटे का रास्ता, वो फजूल में 2 घंटे का इनको पड़ेगा, घंटा जाने का घंटा आने का। चले तो में जाएंगे ये मेरे साथ गपशप मारते हुए, लेकिन फिर अकेले वापस फेले सिटी तक 1 घंटा, फिर यहाँ से अकेले अपने घर तक जाएंगे 2 घंटे, मतलब कि 3-4 घंटे कहीं चले जाएंगे। टाइम समझ लो 6 बज गए और रात के 9-10 बजे पहुँचेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी यहाँ से निकलेंगे तो 7 बजे घर चले जाएंगे, क्या समझे। तो इसलिए अब ये मुझे स्टेशन पर उतारेंगे, उतरते स्टेशन पर फिर मुलाकात करते हैं आखिरी वाली, फिर चलते हैं घर को। फिलहाल इंजॉय कर लो, आप लोग भी रोड शोड देख लो जी मेन सिटी के अंदर। कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है ड्राइविंग मेन सिटी के अंदर, उमर भाई ऐसी बात है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है मुझे सब। मैं तो बड़ा ध्यान से देख रहा हूँ ये वाली लाइन किधर को कहीं कहाँ जा रही है। इधर हल्का सा भी इधर उधर हुआ, हर जगह लगे कैमरे। हाँ जी सही है, हल्का सा भी इधर उधर हमने गलत टर्न मारा कुछ किया भाई साहब, इधर से हमें पड़ेगा कैमरा, वो हो जाएगा काम खराब। कैमरा पड़ना और कुछ भी, किसी ने कुछ नहीं कहना, सीधा आपको माइनस पॉइंट मिलने हैं और दूसरा आपके घर सीध पहुँच जानी, घर पहुँचने से पहले पहले समझ रहे हो ना, तो इसलिए देख के करना पड़ता सब कुछ। ओके जी स्टेशन पे आ चुके हैं हम। लो जी भाई साहब छोड़ दिए हमने जल्लाद भाई को, तो एक गाने बंद कर दिए, गाने जी बंद हो गया जी। अब हम निकलते हैं घर को, ये दिखाओ 1 घंटा 3 मिनट का रास्ता है, जो कि मुझे पता है 1.5 घंटे का बन जाना है ट्रैफिक की वजह से। ज़्यादा सिग्नल भी रुकने, गूगल मैप सिग्नल नहीं बताता है किसी, आंखें मेरी देख के देख रहे हो नींद कितनी आ रही है, कितनी शदीद नींद आ रही है मुझे। चलते हैं फिर, आप अल्लाह हाफिज़ करते हो उमर भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका यार आने के लिए, स्पेशली आप दूसरी जगह से एरिया से आए और हमें घुमाने फिराने के लिए। कोई मसला नहीं यार जी, मज़ा आया, फिर बनाते हैं आप किसी दिन प्लान, आप जल्लाद भाई आएंगे मेरे तरफ, अब हम चक्कर लगाएंगे तो घूमे फिरेंगे इनकी सिटी भी, देखेंगे क्या सीन किताब है, हिसाब किताब है, फिर करते हैं कोई सीन करते हैं। अभी इनको देते हैं इजाज़त क्योंकि ये बहुत थके नज़र आ रहे हैं मुझे, नज़र आ रहे हैं नीचे, रात को सारी रात जाग गया है, सारा दिन जाग लिया है, ड्राइव भी किया, अभी वापस भी जाना है, इंजॉय भी किया, सारा कुछ किया, तो जाना बनता है। हम भी फिर चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं उमर भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट मीटअप पे। ओके हो गया, डन करो जी, अल्लाह हाफिज़। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं, दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो मैं कितना सही हूँ, क्यों एक जगह टिकता नहीं हूँ, बसर करते हैं तेरे दिल में, असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ।